अस्सलामुअलैकुम क्लास मैट्रिक। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड का। टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वेव मोशन। लास्ट क्लास में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किया था और उसकी एग्जांपल सिंपल पेंडुलम को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक वेव्स। वेव्स की टर्म क्लास आपने पहले भी सुनी होगी या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी। वेव एक्चुअली होती क्या है? वेव असल में एक टाइप की डिस्टरबेंस होती है। आपके पास एक फिक्स सपोर्ट है और उससे आपने एक रोप टाई की हुई है। रोप यानी आपने एक रस्सी को यहाँ से टाई अप किया हुआ है। दूसरे एंड से जब आप इस रोप को एक जर्क देंगे, यानी कि आपने इसको क्विकली अप एंड डाउन मूव किया, तो रोप में इस तरह का एक पैटर्न बन जाएगा। इस पैटर्न को हम हम्प भी कहते हैं। अब ये पैटर्न आपको आगे मूव करता हुआ फील होगा, यानी कुछ टाइम के बाद आप इसे यहां देखेंगे, फिर यहां देखेंगे, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाएगा। देखिए, रोप की पोजीशन तो अपनी ही जगह है, लेकिन कोई डिस्टरबेंस है जो कि ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ गई है। आपके जल देने से आपकी एनर्जी रोप में ट्रांसफर हुई और रोप ने इसे कैरी करके दूसरे एंड तक पहुंचाया। इसके लिए रोप अप एंड डाउन तो मूव हुई है, लेकिन इसकी नेट पोजीशन सेम ही रही है। ये जो डिस्टरबेंस ट्रैवल करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है, यही असल में आपके पास वेव है। इसके अलावा अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि आप स्टिल वाटर में जब स्टोन ड्रॉप करते हैं तो उस पर सर्कुलर शेप की रिपल्स बनती, वो भी वेव मोशन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। यानी जब आप वाटर को सेंटर से डिस्टर्ब करेंगे तो वो डिस्टरबेंस सर्कुलर शेप में ट्रेवल करती हुई वाटर की सरफेस के एजेस तक चली जाएगी। अब देखिए क्लास, ये आपके पास वाटर वेव्स की पिक्चर है। अगर वाटर पे वेव्स बन रही हो और उसके ऊपर आप कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करें, जैसे यहाँ पे एक येलो कलर का कॉर्क आपको नजर आ रहा है, वेव्स तो आगे की तरफ ट्रेवल करेंगी, लेकिन कॉर्क सिर्फ आपको अप एंड डाउन मूव होता हुआ नजर आएगा। इससे आपको ये बात मालूम होती है कि वेव्स में सिर्फ एनर्जी ट्रेवल करती है, लेकिन वेव का मीडियम खुद ट्रैवल करके कहीं डिस्प्लेस नहीं होता। यही बात हमें रोप की एग्जांपल में भी नज़र आ रही थी और यही बात हमें इस वाटर वेव की एग्जांपल में भी नज़र आ रही है। देखिए, यहाँ एरो से वेव मोशन शो हुआ है। जो अपवर्ड पोर्शन है उसे हमने क्रेस्ट कहा है, जो डाउनवर्ड पोर्शन है उसे हमने ट्रफ्स कहा है, और यहाँ पे जस्ट ये ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन मूव हो रहा है, यानी मीडियम मूव नहीं हो रहा, जस्ट एक डिस्टरबेंस है जो कि आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। इस पिक्चर में देखिए क्लास, आपको वाटर वेव्स नजर आ रही हैं। वाटर वेव्स यहाँ सेंटर में मौजूद एक रॉक से स्ट्राइक कर रही हैं और वहां पे वाटर स्मैश अप हो रहा है। यानी इससे आपको ये पता चल रहा है कि वेव्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है और इसी एनर्जी के साथ ये उस रॉक से स्ट्राइक कर रही हैं। आप जानते हैं, अगर ये वेव्स कंटिन्यूसली किसी रॉक से या स्टोन से स्ट्राइक करती रहें तो उसे ब्रेक भी कर सकती हैं। ये इस बात की एविडेंस है कि वेव्स में एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब देखिए, ये एक और फिगर है। इसमें आपको एक बिल्डिंग के सामने एक्सप्लोजन होता हुआ नजर आ रहा है। आप जानते हैं क्लास के, जब भी कहीं एक्सप्लोजन होता है शॉक वेव्स जनरेट होती हैं, जो कि करीब मौजूद बिल्डिंग्स के शीशों को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये भी इस बात की एविडेंस है कि वेव्स एनर्जी को कैरी करती हैं। अब देखिए क्लास, वेव्स दो टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सपोज कीजिए आपके पास एक लॉन्ग स्पाइरल मौजूद है जिसकी वाइंडिंग्स बहुत ज्यादा टाइट नहीं है। अगर आप इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको इस तरह का पैटर्न
नजर आएगा। ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये उस स्पाइरल की वाइंडिंग को शो कर रही हैं। अब आपने इस स्पाइरल को एक साइड से डिस्टर्ब किया, यानी कि आपने इसे स्ट्रेच कर दिया या फिर आपने इसे कंप्रेस कर दिया। जब आप इसे स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो आप इसमें इस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। इस स्पाइरल या फिर इस स्प्रिंग का कुछ पोर्शन जो है वो इलोंगेट हो जाएगा, यानी जो इसकी नॉर्मल पोजीशन थी ये उससे ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, और कुछ पोर्शन इसका कंप्रेस हो जाएगा, यानी नॉर्मल पोजीशन से इसकी लेंथ कम हो जाएगी। फिर इसी तरह कुछ पोर्शन इलोंगेट और कुछ पोर्शन आपको कंप्रेस हुआ हुआ नजर आएगा। ये भी एक टाइप की वेव फॉर्म हुई है। जो पोर्शन इसका इलोंगेट है उसे हम रियर फ्रैक्शंस या फिर इलोंगेशंस कहते हैं, और जो पोर्शन इसका कंप्रेस हुआ हुआ है इसे कंप्रेशन या फिर कंडेंसेशन कहते हैं। देखिए, इसमें स्प्रिंग मूव कर रही है फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, और वेव ट्रेवल कर रही है फॉरवर्ड, यानी ये दोनों डायरेक्शंस आपस में पैरेलल हैं। वेव की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड है और जो मटेरियल है या जो मीडियम है जो वेव को कैरी कर रहा है उसकी डायरेक्शन भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड है। सच अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसी टाइप ऑफ वेव जिसमें वेव मोशन और पार्टिकल मोशन आपस में पैरेलल हो, ऐसी टाइप ऑफ वेव्स कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसकी एग्जांपल है साउंड वेव्स की। जब आप कुछ भी बोलते हैं तो आपके सामने मौजूद एयर इसी पैटर्न पे कंप्रेस या फिर इलोंगेट होती है, और यही पैटर्न सुनने वाले का एयर ऑब्जर्व करता है। तो साउंड वेव्स एयर से ट्रेवल करती हुई स्पीकर से लिस्नर की तरफ जाती है। देखिए क्लास, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को आप स्पीकर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपके पास एक स्पाइरल है और एक साइड से आपने इसको होल्ड किया हुआ है। जब आप इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेंगे तो फिर इसमें अल्टरनेट पैटर्न बनेगा। कुछ हिस्सा इसका कंप्रेस हो जाएगा और कुछ हिस्सा इसका एक्सपेंड हो जाएगा। वेव की सेकंड टाइप है क्लास ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव वो वेव है जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट करेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। इसकी एग्जांपल है क्लास वाटर वेव। आपने वाटर वेव्स देखी होंगी, वो कैसे ट्रेवल करती हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होता है। देखिए, इसमें वाटर मीडियम है और मीडियम कैसे मूव कर रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, जबकि वेव खुद ट्रेवल कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये दोनों डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, वेव का मोशन और मीडियम का मोशन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अप एंड डाउन हो रही है जबकि वेव खुद फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इस तरह की वेव कॉन्स्टिट्यूट करती है ट्रांसवर्स वेव। सच अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव। इसकी एग्जांपल अभी हमने बताया वाटर वेव्स है, इसके अलावा लाइट वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव होती है, और आपने चैप्टर नंबर 15 में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी थी वो तमाम के तमाम भी ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। आप क्लास ट्रांसवर्स वेव की और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मजीद एग्जांपल सर्च कीजिएगा, इस टॉपिक को बुक से स्टडी कीजिएगा और इसकी लर्निंग भी कीजिएगा।
और टाइप्स भी याद करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के डिफरेंसेस भी याद करेंगे। थैंक यू क्लास।